नमस्कार साथियों, एमबीए हिंडशिप के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आप सभी लोग कैप्टन रेवाड़ी एंड कैप्टन जोसफ का जो एमबीए हिंडशिप का बुक है वह आप लोग खोल लीजिएगा। इस बुक में पेज नंबर 3 पर आपका बहुत सारा डिफिनेशन दिया हुआ है और यह डिफिनेशन हम आपको पहले भी कवर कर चुके हैं जब सुब्रमण्यम साहेब का बुक पढ़ा रहे थे, तो हम उसको नहीं बताएंगे। तो पेज नंबर 3 और 4 ऑलरेडी आप लोग को हम बता चुके हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 5 पर जनरल इंस्ट्रक्शन है और यह जनरल इंस्ट्रक्शन हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं। फर्स्ट लेक्चर में जब हम आपको ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट समझा रहे थे उस समय जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ था हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझा दिए थे, तो वही सारा 18 पॉइंट यहाँ भी है। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम समझा ही चुके हैं, आप लोगों को अच्छा से ध्यान में रहेगा। हम आपको एमबी हिंडशिप का ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट को काफ़ी अच्छा से फेमिलराइजेशन करा दिए थे। अब उसी फेमिलराइजेशन पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको यह पता चल जाएगा कहाँ पर क्या डाटा दिया हुआ है। और फर्स्ट लेक्चर जो भी नहीं देखे हैं वह फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिएगा, वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फेमिलराइजेशन ऑफ ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट। तो चलिए हम लोग एमबी हिंडशिप का जो बुक है पेज नंबर 7 पर फेमिलराइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, फेमिलराइजेशन विथ द बुकलेट ऑफ ट्रिम एंड स्टेबिलिटी पार्टिकुलर ऑफ एमबी हिंडशिप प्रायर टू प्रोसीडिंग टू द एक्चुअल कैलकुलेशन द स्टूडेंट शुड फेमिलराइज हिमसेल्फ विद द कंटेंट एंड लेआउट ऑफ द एमबी हिंडशिप ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट फॉर दिस द फ्लोइंग एक्सरसाइज विल बी हेल्पफुल। आप लोग एमबी हिंडशिप का बुक और बुकलेट दोनों खोल के रखिए और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग आंसर नहीं देखिएगा पहले, जब आप आंसर देख ही लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में काफ़ी कम आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द LBP एंड मोल्डुड ब्रेथ ऑफ एमबी हिंडशिप। यह बुकलेट में कहाँ पर दिया हुआ है, हम आपको बताए थे बुकलेट के शुरू में जनरल पार्टिकुलर दिया हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे वेसल का जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वह दिया हुआ है, तो हम उसको खोल ले रहे हैं। आप सभी लोग अब बुकलेट में चले आइए, यहाँ पर पूछ रहा है लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर, तो हम लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर और मोल्डेड ब्रेथ निकाल ले रहे हैं। देखिए ये आपका आ गया बुकलेट का पेज नंबर 3 जिस पर जनरल पार्टिकुलर दिया हुआ है। हमको पूछा क्या था लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 143.16 और क्या पूछा है मोल्डेड ब्रेथ, यहाँ पर मोल्डेड ब्रेथ भी दिया हुआ है कितना 20 मीटर। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 143.16 एंड 20 मीटर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का है, LBP कितना आ गया 143.16 एंड मोल्डेड ब्रेथ 20 मीटर। अब आप लोग आंसर मिला लीजिए बुक से, देखिए पहला का ए 143.16 और बी 20 मीटर, ये हो गया। उसी प्रकार यदि जनरल पार्टिकुलर से कुछ भी पूछेगा तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा और आंसर बता दीजिएगा, इसलिए सबसे पहले हम आपको बुकलेट का फेमिलराइजेशन काफ़ी अच्छा से करवाए थे। यदि पूछ देता समर लोड ड्राफ्ट कितना है तो यहाँ से आप देख के बता सकते थे, उसी प्रकार जो भी डाटा है उसको आप यहाँ से देख के आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन पर, सेकेंड क्वेश्चन कहता है लोकेट द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट एज पर द कोड ऑफ इंटैक्ट स्टेबिलिटी। कोड ऑफ इंटैक्ट स्टेबिलिटी के तहत जो मिनिमम स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट है वह कहां पर दिया हुआ है बुकलेट में, वही आपको बताना है। तो यह चीज़ हम आपको पहले ही बताए थे, बुकलेट में शुरू में ही दिया हुआ है डायग्राम बना के, तो वही चीज़ आपको यहां पर बताना है यह कहां पर दे रखा है। देखिए स्पेशल नोट रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी एंड लोडिंग ऑफ द शिप, यहीं पर इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है विथ डायग्राम। देखिए ए एरिया अंडर कर्व अप टू 30 डिग्री टू बी नॉट लेस देन 0.055 मीटर रेडियन, उसी के बाद बी पॉइंट एरिया अंडर कर्व अप टू
एक्स डिग्री, यहाँ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री या लेसर एंगल एट विच वाटर कूड इंटर हल। ये देखिए एक्स का मीनिंग ये है। फिर उसी प्रकार ऊपर डू डू किया हुआ है, मतलब जो ऊपर है वही नीचे है। तो यह पेज नंबर कितना है? ऑन पेज नंबर 5। आप आंसर देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है। देखिए दूसरा का लिखा हुआ है पेज 5 हिंडशिप बुकलेट। आपको यह जो एक्सरसाइज है सिर्फ इसके लिए है कि आपको बुकलेट का फेमिनाइजेशन अच्छा से हो गया है कि नहीं, और जिनको भी दिक्कत हो रहा है आप फर्स्ट लेक्चर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए कि अब जितना भी प्रीमियम लेक्चर है वह सारा ऐप पर आएगा, इसलिए आप लोग ऐप के थ्रू ही ज्वाइन कीजिएगा। जो फ्री वाला वीडियो रहता है वह दोनों पर अवेलेबल रहेगा, ऐप पर और यूट्यूब पर भी, लेकिन प्रीमियम वीडियो सिर्फ ऐप पर, क्योंकि YouTube के तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट TPC, MCTC, LCB, LCF, VCB, KM एंड KML एट ए ड्राफ्ट ऑफ 4.2 मीटर। अब यह कैसे पता चलेगा? बुकलेट में एक टेबल है, उस टेबल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक टेबल। वहीं से सारा चीज़ यह मिल जाएगा, और मेन यही टेबल है, इसी टेबल से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अर्थात यूँ कहें कि जितना भी क्वेश्चन है एमबी हिंडशिप के बुकलेट में इस टेबल का रोल है। क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टीपीसी जो भी है वह चाहिए आपको 4.2 मीटर पर। तो अब हम यहाँ पर 4.2 मीटर से रीडिंग ले ले रहे हैं। आप लोग ड्राफ्ट ले लीजिए 4.2, और हम आपको बताए हैं ड्राफ्ट का मतलब यह है हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट। तो 4.2 मीटर पर आपको मांगा है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 8038, टीपीसी 21.72, एमसीटीसी 16.7, उसी प्रकार यह है एलसीबी, यह आपका है एलसीएफ, यह आपका है वीसीबी अर्थात केबी, ये आपका है केएमटी। केएमटी मतलब के एम टी को सिर्फ के एम भी लिखा जाता है। यदि सिर्फ के एम है इसका मतलब है के एम टी है, ट्रांसवर्स वाला, और जहाँ लॉन्गिट्यूडनल वाला रहेगा वहाँ पर पक्का है कि के एम एल लिखेगा। और के एम एल कितना है? 290.1। अब आप आंसर मिला लीजिए। देखिए 3 का ये 8038, 21.72, 16.7, ये आपका हो गया। फिर आपका है 73.014, फिर है 73.103, 2.2256, फिर है 9.610, फिर है 290.1। उसी प्रकार जो भी ड्राफ्ट के लिए आपको डाटा चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ नंबर 2 ट्विन डेक। हम आपको एक टेबल बताए थे वहाँ पर सारा ही टैंक का या कार्गो स्पेस का, वो ड्राई कार्गो स्पेस ही क्यों ना हो या रेफर स्पेस हो, स्टोर हो, सबका लोकेशन, कैपेसिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डाटा दिया हुआ है बुकलेट में, वही चीज़ आपको निकालना है। हमको पूछा है नंबर 2 ट्विन डेक का कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब ग्रेन कैपेसिटी। हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे जहाँ भी कैपेसिटी पूछ दे ड्राई कार्गो स्पेस का वहाँ पर लेना है ग्रेन कैपेसिटी। अब देखिए नंबर 2 ट्विन डेक क्वेश्चन में है, और ट्विन डेक क्या होता है? ड्राई कार्गो स्पेस। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 10 पर है कैपेसिटीज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ड्राई कार्गो स्पेसेज। अब यहाँ पर कंपार्टमेंट को खोज लीजिए। कंपार्टमेंट है नंबर 2 ट्विन डेक, दिस वन, इसका आपको चाहिए कैपेसिटी। एक है बेल कैपेसिटी और एक है ग्रेन कैपेसिटी, तो ये वाला नहीं, ये यूज होगा। और क्यों? फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ नंबर 2 ट्विन डेक कितना हो जाएगा? 1854.9। अब आप आंसर देख लीजिए चार नंबर का। चार नंबर का देखिए आंसर है 1854.9 क्यूबिक मीटर। अब आइए क्वेश्चन पूछ रहा है पचमा, फाइंड द एल सी जी एंड के जी ऑफ नंबर 3 होल्ड। अब आप नंबर 3 होल्ड का एल सी जी और के जी बता दीजिए। फिर से हम वही टेबल को खोलेंगे जो कि यह है ड्राई कार्गो स्पेस,
क्वेश्चन पूछा है नंबर 3 होल्ड का एलसीजी एंड केजी। तो यहाँ पर आप आते जाइए तो ये वाला जो है ये कॉलम आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है, और हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे ये दोनों कॉलम कोई विशेष काम का नहीं है आपका। और ये जो वर्टिकल एबव बेस जो है यह आपका हो गया के जी, और ये है लॉन्गिट्यूडनल फ्रॉम अप परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया एल सी जी। तो नंबर 3 होल्ड का के जी कितना है 5, और एल सी जी 80.63, यही दोनों आंसर हो गया। उसी प्रकार जो भी कंपार्टमेंट हो यदि आपसे कुछ भी पूछ दे तो यहाँ से आप लोग देख के बता दीजिएगा। उसी प्रकार इधर है स्टोर रूम का, यदि पूछ देता लिनेन लॉकर का आप बेल कैपेसिटी बताइए तो यहाँ से मिलेगा। उसी प्रकार सारा ही स्पेस है उसका दिया हुआ है, और यह चीज़ हम आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छा से समझाए थे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी के जी एल सी जी ऑफ नंबर 4 डीवी टैंक सेंट्रल। अब आ जाइए लिक्विड वाला टैंक पर, और यहाँ पर आपको कैपेसिटी भी बताना है और दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो टैंक में चलते हैं, यह स्टोर रूम का है, यह क्रू का है, यह देखिए टैंक का है लेकिन यह है वाइल एंड अदर टैंक का। आपको चाहिए डीवी टैंक सेंट्रल, और कौन सा 4 वाइल एंड फ्यूल टैंक है। पार कर जाइए, ये आपका आ गया कैपेसिटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्री सरफेस मोमेंट ऑफ वाइल एंड वाटर टैंक। अब इसमें वाइल भी है और वाटर टैंक भी है, ये आपका आ गया ब्लास्ट वाटर टैंक। कौन सा चाहिए था नंबर 4 डीवी टैंक सेंट्रल। अब नीचे आ जाइए, ये आपका है नंबर 4 डीवी टैंक सेंट्रल, इसका आपको चाहिए कैपेसिटी। कैपेसिटी किस कॉलम में है आप लोग देख लीजिए, ये वाला लोकेशन के बाद, और कैपेसिटी के मतलब 100% फुल। तो 100% फुल में आप आ जाइए, इसका कैपेसिटी हो गया 257.4 m³। आप लोग आंसर देख लीजिए 257.4 है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लर्कियल मिस्टेक हो गया है, आप आंसर में डेसिमल पुट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा था के जी एंड एल सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला कॉलम देख लीजिए। ये देखिए ये है वर्टिकल मीटर्स में है आपका, और एबव बेस मतलब ये है के जी, और ये है लॉन्गिट्यूडनल है मीटर में फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर, मतलब ये है आपका एल सी जी। तो ये दोनों कॉलम आपका बता रहा है के जी और एल सी जी। यहाँ पर के जी है 0.63 और एल सी जी है 57.58। तो आप 6 का आंसर मिला लीजिए, बी हो गया 0.63 और सी हो गया 57.58। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ ए ब्लास्ट इन आफ्ट पिक टैंक व्हेन फुल। कह रहा है जब आफ्ट पिक टैंक फुल हो जाए ब्लास्ट से तो आप हमको वेट बता दीजिए। तो सबसे पहले आप आफ्ट पिक टैंक का कैपेसिटी निकाल लीजिए। आप आ जाइए यहाँ पर और इसमें देखिए आफ्ट पिक टैंक, आफ्ट पिक टैंक इसका कैपेसिटी कितना है 117.8। तो आफ्ट पिक टैंक अपने पास 117.8 m³ वाटर को रखेगा, इसमें भरना है बलास्ट अर्थात साल्ट वाटर। साल्ट वाटर का डेंसिटी 1.025, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उतना ही वेट होगा और यही आपका आंसर होगा। आफ्ट पिक टैंक में यदि पूरा फुल कर दीजिएगा ब्लास्ट वाटर से तो इतना टन आफ्ट पिक टैंक में रहेगा, तो वही चीज़ आपसे पूछा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह कह रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नंबर 12 डीवी टैंक स्टारबोर्ड। नंबर 12 डीवी टैंक स्टारबोर्ड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अर्थात आई, और हम आपको बताए हैं इसके लिए भी एक सेपरेट टेबल है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बुकलेट पर, आपको निकालना है 12 डीवी टैंक स्टारबोर्ड। ये देखिए आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टेबल, पूछा है नंबर 12 डीवी टैंक स्टारबोर्ड। ये है आपका नंबर 12 डीवी टैंक स्टारबोर्ड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 17, आपका आंसर होगा 17। अब आप आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द केएन वैल्यू एट डिस्प्लेसमेंट 13,500 टन व्हेन यील्ड 40 डिग्री। आपको यहाँ से केएन वैल्यू निकालना है जब एमवी हिंडशिप का डिस्प्लेसमेंट 13,500 हो और वह यील्ड हो 40 डिग्री पर। तो केएन वैल्यू निकालने के लिए एक टेबल है और 25 डिग्री से यदि ऊपर रहेगा तो आपको दो वैल्यू है, और जब दो वैल्यू रहेगा तो कौन सा यूज करना है, बी वाला। तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट खोजिए 13,500, ये आपका हो गया 13,500। हील है आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री आपका इस वाले पेज में नहीं है, तो नेक्स्ट पेज में चल जाइए। नेक्स्ट पेज में आप ले लीजिए 13,500, दिस वन आपको लेना है 40 डिग्री, ये आपका है 40 डिग्री, देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ही आपका है 40 डिग्री। इसमें आपको यूज करना है बी, और क्यों हम आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाए हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5.845, यही आपका आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए 9 का 5.845। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द ड्राफ्ट फ्री बोर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डेड वेट एट द विंटर लोड लाइन। हम आपको बताए हैं ये सारा चीज दिया हुआ है एक पेज पर। ये देखिए आपका आ गया पिलोमसल मार्क डिटेल, इसी में जितना भी ड्राफ्ट है उसका सारा डिटेल दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पूछा है क्या, विंटर लोड लाइन पर बताना है, तो ये आपका है विंटर लोड लाइन। विंटर लोड लाइन पर क्या क्या पूछा है, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट इन मीटर आपका ये हो गया, फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड इन मीटर ये हो गया, फीट नहीं चलता है आपको मीटर ही लेना है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको ये वाला टर्म्स यूज करना है, हम आपको समझाए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया, एंड डेड वेट, डेड वेट आपको ये हो गया। तो यही सारा आपका आंसर है, हम मिला लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का 9.041, 2.81, 19151, फिर 13651, ये आपका हो गया। उसी प्रकार समर हो, ट्रॉपिकल हो, फ्रेश वाटर हो, ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर हो, सारा डाटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द फ्रेश वाटर अलाउंस ऑफ शिप। अब फ्रेश वाटर अलाउंस ऑफ शिप कहाँ पर मिलेगा, यह भी मिलेगा आपको अभी जो पेज निकाले थे उसी में। हम बुकलेट निकाल लेते हैं, आपसे पूछा है फ्रेश वाटर अलाउंस। फ्रेश वाटर अलाउंस क्या होता है, समर से फ्रेश वाटर पर, तो समर से फ्रेश वाटर पर जाने पर कितना फ्रेश वाटर अलाउंस है, 202 mm, यही ना है, तो ये आपका फ्रेश वाटर अलाउंस है 202 mm, यही आपका आंसर हो गया। हम आंसर आपको मिला लेते हैं, 11 का 202 mm। उम्मीद करते हैं इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब हम आपको सुब्रमण्यम साहब का बुक पढ़ा रहे थे वहां पर लोड लाइन अच्छा से पढ़ाए हैं। समर से फ्रेश के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वही आपका फ्रेश वाटर अलाउंस होता है। एमबी हिंडशिप में इस दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 202 mm है, तो ये आपका फ्रेश वाटर अलाउंस हो गया, बस सिंपल। और ये सारा एक्सरसाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि जब क्वेश्चन आ जाएगा तो वहाँ पर आप लोग बुकलेट मत पलटते रहिए ऐसे ऐसे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन कंडीशन नंबर 5 फाइंड द फ्लोमिंग्स। पहला कह रहा है वेट ऑफ कार्गो इन नंबर 5 ट्विन डेक। सबसे पहले आप कंडीशन नंबर 5 को खोल लीजिए। हम आपको बताए थे बुकलेट में 11 गो कंडीशन दिया हुआ है और लास्ट में सब कंडीशन है, आपको कंडीशन नंबर 5 पर आना है। यह कंडीशन नंबर 11 आ गया, 5 होगा ऊपर, कंडीशन नंबर 6, ये आपका आ गया कंडीशन नंबर 5। आप सभी लोग बुकलेट खोल लीजिए और उसमें कंडीशन नंबर 5 पर आ जाइए, और कंडीशन से बहुत सारा एक्सरसाइज दिया हुआ है उसी को अभी हम देख लेंगे।
इससे आपको कंडीशन में कहां पर क्या दिया रहता है वो समझ में आ जाएगा। कंडीशन फाइव का पहला क्वेश्चन था, आपको बताना है वेट ऑफ कार्गो इन नंबर फाइव ट्विन डेक। अब सबसे पहले आप नंबर फाइव ट्विन डेक को खोजिए कहां पर है। ये आपका आ गया नंबर फाइव ट्विन डेक। नंबर फाइव ट्विन डेक में आपको वेट पूछ रहा है, वेट वाला कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो ये आपका वेट है 715.8 टन। तो 12th का वन का आंसर हो गया 715.8 टन। अब दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपको पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ नंबर फाइव डीवी टैंक स्टारबोर्ड। नंबर फाइव डीवी टैंक स्टारबोर्ड का लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट बताना है। तो नंबर फाइव डीवी टैंक ये है और आपका स्टारबोर्ड ये है, इसका लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ये है, ये देखिए। और हम आपको बताए हैं कंडीशन में जो वैल्यू दिया हुआ है आपको वही लेना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट निकालने के लिए नंबर फाइव डीबी टैंक का स्टारबोर्ड का एलसीजी और वेट से मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, मल्टीप्लाई भी कीजिएगा ना तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन जो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट दिया हुआ है 1510 यही आपको लेना है। और यह चीज़ हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं, कंडीशन में जो चीज़ आपको डायरेक्ट दिया हुआ है वही यूज करना है, चाहे वह गलत हो या सही हो, दैट्स ऑल, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। अब आ जाइए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। टोटल फ्री सरफेस मोमेंट ऑफ द शिप, शिप का टोटल फ्री सरफेस मोमेंट बताना है। फ्री सरफेस मोमेंट का कॉलम कौन सा है ये, और आपको बताना है टोटल फ्री सरफेस मोमेंट ऑफ शिप। ये कॉलम आपका, ये आपका टोटल है, टोटल फ्री सरफेस मोमेंट आपका है 1552। ये जितना भी फ्री सरफेस मोमेंट जनरेट हुआ है जो भी टैंक के थ्रू, वह सारा यहाँ पर ऐड उड करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी आपको सारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि ऐड करने पर भी आपको यदि गलत यह दिया हुआ है 1552, फिर भी आपको यही लेना है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं जो कंडीशन में दिया हुआ है वही आपको लेना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं। तो चलिए ये आपका हो गया। आप पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप, शिप का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो शिप का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए, ये आपका वेसल का डिस्प्लेसमेंट है। और यदि डेड वेट पूछ देता तो वेसल का डेड वेट ये है। अब आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट आपको पूछा है वर्टिकल मोमेंट ऑफ द शिप, शिप का वर्टिकल मोमेंट आपको बताना है। वर्टिकल मोमेंट का कॉलम कौन सा है, ये वाला। अब इसका आपको सबसे नीचे ऐड करके लिखा होगा, तो ये आपका हो गया टोटल। तो ये आपका है वर्टिकल मोमेंट ऑफ शिप 1397.00। आप देख लीजिए 5 का 1397.00 मेट्रिक टन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा स्लाइड को हम ऊपर ले ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है केजी ऑफ वाइल इन स्टोरेज एंड सेटलिंग टैंक। अब फिर से कंडीशन में आ जाइए और वहाँ पर आप देखिए स्टोरेज एंड सेटलिंग टैंक में जो वाइल है उसका केजी कितना है। ये आपका है सेटलिंग सर्विस टैंक, ये है सेटलिंग एंड सर्विस टैंक, ये आपका है स्टोरेज एंड सेटलिंग टैंक। स्टोरेज एंड सेटलिंग टैंक में ल्यूब वाइल रखा हुआ है और इसका आपको पूछा है केजी, केजी आपका है 6.46। ये जो लूब वाइल है स्टोरेज एंड सेटलिंग टैंक में, इसी का केजी पूछा था, तो आंसर हो गया 6.46। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेट ऑफ द मेल कार्गो, जो कंडीशन है 5 नंबर शिप का उसमें वेट बताना है मेल कार्गो का, उस शिप में मेल कार्गो का क्वांटिटी कितना है। अब इधर आ जाइए आप, इसमें खोजिए मेल कार्गो, ये देखिए मेल कार्गो है, मेल कार्गो का वेट है 5.1 टन, वेट का कॉलम यही है ना, हाँ ये आपका आ गया 5.1 टन, आंसर मिला लीजिए 5.1 टन। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल सी बी ऑफ द शिप, शिप का आपको एल सी बी बताना है।
हम आपको बताए हैं एलसीबी दिया रहता है कहाँ पर, ये देखिए एलसीबी फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर कितना है, 72.356 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट बताइए जब वेसल कंडीशन नंबर 5 में हो। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट कैसे मिलेगा, आप कंडीशन में फिर से चले जाइए। और जब हम आपको फर्स्ट लेक्चर बताए थे वहाँ पर हम पूछे थे यहाँ पर ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें कौन सा ड्राफ्ट हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है। तो ये आप देख रहे हैं ड्राफ्ट एट फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है, ड्राफ्ट एट आफ्ट परपेंडिकुलर है, ऊपर लिखा हुआ है मीन ड्राफ्ट। तो यह जो मीन ड्राफ्ट है आप जोड़ के देखिएगा तो यह एक्चुअल में हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है। सॉरी थोड़ा सा नीचे चला गया। हाँ ये जो आपका मेन ड्राफ्ट है ये आपका हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है और फर्स्ट लेक्चर में हम पूछे थे लेकिन किन्हीं ने कमेंट नहीं किया, या तो पता नहीं चला होगा या तो पूरा लेक्चर देखे नहीं होंगे। और यदि डाउट हो रहा है तो आप इस दोनों ड्राफ्ट से कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट, आपका इतना ही आएगा। और नहीं तो अभी हम चेक कर दे रहे हैं। मेन ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करके डिवाइड, दोनों ऐड करके डिवाइड कर लीजिए, 8.8844+8.683 डिवाइडेड बाई 2। जब आप दोनों को ऐड करके डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 8.7835। यहाँ पर आपका है 8.785। तो देख रहे हैं मीन से यह थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअल में यहाँ पर जो मीन ड्राफ्ट दिया रहता है यह आपका हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है, बस सिंपल सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितना भी कंडीशन है आप वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट निकालिएगा फॉरवर्ड एंड आफ्ट ड्राफ्ट से, ट्रिम दिया हुआ है, एलसीएफ का पोजीशन दिया हुआ है, उससे आपको जो भी हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट मिलेगा यह इतना ही मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर, 10 पूछ रहा है टोटल ट्रिम, यहाँ पर ट्रिम का वैल्यू दिया हुआ है। ट्रिम कितना है, 0.201 मीटर बाई अस्टर। तो टोटल ट्रिम हो गया 0.201 मीटर बाई अस्टर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भेसल का केजी बताइए। फिर आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर केजी आपको कहाँ से मिलेगा, आप ऊपर आइएगा तो एक कॉलम है केजी का, तो इस केजी को आप नीचे चले आइए, यही आपका केजी का कॉलम है। नीचे में आपका ये जो फाइनल दिया हुआ है यह है आपका भेसल का केजी, 7.539। और केजी एक जगह और दिया रहता है, ये देखिए कंडीशन नंबर 5 के आप दूसरा पेज पर आइएगा तो यहाँ पर आपको केजी मिलेगा। ऊपर में देखिए केएम भी दिया हुआ है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके जीएम भी दिया हुआ है, फिर एफएससी भी दिया हुआ है, फिर जीएम फ्लूड दिया हुआ है अर्थात करेक्टेड जीएम, फिर उसके बाद कुछ दिया एफएससी। तो एफएससी कहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर एफएससी दिया हुआ है। अब आप आ जाइए राइटिंग लीवर एट 10 डिग्री हिल, यह कहाँ से मिलेगा, फिर से आप आ जाइए वही कंडीशन में। आप राइटिंग लीवर के लिए टेबल में मत जाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन में ही सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो जब आप राइटिंग लीवर एट 10 डिग्री हिल, राइटिंग लीवर मतलब जी जेड अर्थात राइटिंग आर्म, और कितना पर, 10 डिग्री पर, तो 10 डिग्री पर राइटिंग आर्म अर्थात राइटिंग लीवर 0.191 मीटर है, आंसर मिला लीजिए, ये आपका है 0.191 मीटर। उसी प्रकार यदि पूछ देता कंडीशन नंबर 5 में 20 डिग्री पर राइटिंग आर्म बताइए, 30 डिग्री पर बताइए, 40 डिग्री पर बताइए, 5 डिग्री पर बताइए, तो जो भी रहता यहाँ से आप डायरेक्ट ले लेते। अब आपका पूछा है एरिया अंडर जी जेड कर्व अप टू 40 डिग्री, अब यह भी दिया हुआ है कंडीशन में एरिया अंडर जी जेड कर्व। जब आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि ये लिखा हुआ है एरिया अंडर और आपका पूछा है अप टू 40 डिग्री, तो टोटल एरिया टू 40 डिग्री कितना दिया हुआ है, 0.237 मीटर रेडियन,
यदि यही पूछता एरिया अंडर जी जेड कर्व अप टू 30 डिग्री, तो आपको ये वैल्यू देना रहता। अरे ये वैल्यू कुछ ज़्यादा लग रहा है, एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस दोनों को। 0.0291 इंटू 4.764। एक्चुअली में यहाँ पर 1.139 नहीं होगा, होगा 0.139, लेकिन यहाँ पर 1.139 लिखा हुआ है। देख लिए कितना बड़ा मिस्टेक है, होना चाहिए था 0.139, यहाँ पर एक ज़्यादा लग गया है, लेकिन जो लिखा है वही लिखना है आपको। यदि एरिया अंडर जी जेड कर्व अप टू 30 डिग्री पूछेगा, तो आपको बताना होगा 1.139। यदि एरिया अंडर जी जेड कर्व बिटवीन 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में पूछेगा, तो आपको बताना है 0.098। और यदि टोटल एरिया पूछेगा, तो आपको बताना है 0.237। जब टोटल होता है तो यह दोनों ऐड हो जाता है, तो जब ऐड होकर 0.237 है, तो यहाँ पर 1.139 कैसे होगा? तभी हमको पता चल गया यहाँ पर कुछ गलत है। लेकिन हम आपको बताए हैं कंडीशन में गलत दिया है कि क्या दिया हुआ है, गुना भाग करने में बहुत जगह आपको मिलेगा ऐसा, तो उससे आपको लेना देना नहीं है, जो दिया वही आपको लिख देना है बस। अभी टोटल एरिया अप टू 40 डिग्री 0.237, तो बस 0.237, अब यहाँ पर ये ऐड करके नहीं लिखिएगा। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मैक्सिमम जी जेड एंड द एंगल ऑफ हिल एट बीच इट अकर। क्वेश्चन पूछ रहा है जब वेसल कंडीशन नंबर 5 में होगा, तो उस समय मैक्सिमम जी जेड कितना होगा और यह मैक्सिमम जी जेड कितना एंगल ऑफ हिल पर होगा। हम जब आपको कैप्टन सुब्रमण्यम साहब का बुक पढ़ा रहे थे, वहाँ आपको बताए थे कि जैसे जैसे वेसल हील होता है, उसका जी जेड का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद यह घटना शुरू कर देता है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है, आप हमको बता दीजिए एम बी हिंडशिप का मैक्सिमम जी जेड कितना होगा और यह किस एंगल ऑफ हील पर होगा। तो यह कैसे पता चलेगा, उसी कंडीशन में चलाइए, नीचे में आपका डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए, ये जो आपका कर्व है, ये है आपका जी जेड अर्थात राइटिंग लीवर का कर्व। यहाँ पर देख रहे हैं राइटिंग लीवर का दो कर्व है, एक है कंटिन्यूअस लाइन ये वाला, और एक है डॉटेड लाइन। जो कंटिन्यूअस लाइन है वह है करेक्टेड कर्व फॉर फ्री सरफेस, ये जो डॉटेड लाइन है यह आपका है अनकरेक्टेड कर्व, यहाँ पर एफ एस सी का करेक्शन नहीं लगा है। आपको पूछ रहा है मैक्सिमम जी जेड, अब यहाँ पर देख रहे होंगे मैक्सिमम जी जेड दो लिखा हुआ है, एक है मैक्सिमम जी जेड 0.596 मीटर एट 14.6 डिग्री, और एक है मैक्सिमम जी जेड 0.650 मीटर एट 41.5 डिग्री। अब दोनों में से कौन लेना है, तो आपको यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन वाला है इसको कंसीडर करना है, अर्थात अनकरेक्टेड वाला। तो जब इसको कंसीडर कीजिएगा, तो मैक्सिमम जी जेड कितना है 0.650 मीटर, और यह कितना एंगल पर हो रहा है 41.5 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर मिला लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एल सी एफ ऑफ शिप, कंडीशन नंबर 5 में आप शिप का एल सी एफ का पोजिशन बता दीजिए। एल सी एफ कहाँ पर मिलेगा, ऊपर में यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है। ये देखिए एल सी एफ फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 49.07%। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये परसेंटेज में है। अब यह जो परसेंटेज में है आफ्ट परपेंडिकुलर से, मतलब एल बी पी का 49.07%। अब एल बी पी कितना है, एम बी हिंडशिप का एल बी पी है 143.16। और जिनको याद नहीं है यह कहाँ पर मिलेगा, अभी भी हम आपको बताएं, और क्वेश्चन बनाते बनाते एल बी पी आपको एकदम मुंह पर होना चाहिए। तो इसका 49.07%, तो इसमें इंटू कर दीजिए 49.07 से, और 49.07 से इंटू करके इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो जो भी वैल्यू आएगा यही आपका होगा एल सी एफ का पोजीशन फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 143.16 इंटू 49.07 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका होगा 7.02486, मतलब 243।
सॉरी 243 नहीं, 249, 8 को हम 9 कर दे रहे हैं राउंड अप करके। तो आपका एलसीएफ का पोजीशन होगा कंडीशन नंबर 5 में 70.249 मीटर, और यह है फ्रॉम आफ्ट परपेंडिकुलर। तो उम्मीद करते हैं ये जो फैमिलियराइजेशन पर आधारित क्वेश्चन था यह आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे, और अभी जो क्वेश्चन बता रहे थे उसके आंसर के नीचे बहुत सारे नोट लिखा हुआ है, तो इस नोट में आपको विशेष कुछ नहीं लिखा हुआ है। अभी जो हम आपको बता रहे थे कि कंडीशन में कोई कोई वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करके गलत लिख देता है, तो यदि गलत लिखा हुआ है फिर भी आपको वही गलत चीज़ यूज करना है, वही चीज़ को यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बताना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।